हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उदय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आप देख रहे हैं स्पेशल लेक्चर के सीरीज एन मैकेनिक्स, रूपांतरण इसी के अंतर्गत बीएससी पार्ट आज फर्स्ट का का हमारा टॉपिक है त्वरण एवं बल के गैलीलियन रूपांतरण, अर्थात एक्सिलरेशन एंड फोर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले हमने विस्थापन और वेग के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण देखे थे, और हमने ये देखा था कि विस्थापन तो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत अचर रहता है, लेकिन वेग चेंज हो जाता है, वेग में बदलाव आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। आज हम ये देखेंगे कि त्वरण यानी एक्सीलरेशन और बल यानी फोर्स क्यों क्या असर होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्वरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन, त्वरण का रूपांतर। हम पहले से ये जानते हैं कि वेग से हमें त्वरण प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, वेग को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण होती है। तो हमारा जो इक्वेशन वेग वाला था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, वी डैश बराबर स्मॉल बी माइनस कैपिटल बी, जहां वी डैश एस एस फ्रेम में वेग था, स्मॉल वी एस फ्रेम में वेग था, और कैपिटल बी एस डैश फ्रेम का एस के सापेक्ष वेग था। उस समीकरण का हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यह मिला हमें डीवी डैश बाई डी टी टू डीवी बाई डी टी माइनस जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि हमने कैपिटल वी को डिफरेंशिएट किया है टाइम के रिस्पेक्ट में, और कैपिटल वी हम कह रहे हैं कि फिक्स है, क्योंकि एस डैश फ्रेम का वेग है वो एस के सापेक्ष फिक्स है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। किसी भी अचर यानी नियतांक राशि जो होती है उसका अवकलन जीरो होता है। तो चूंकि एस डैश निर्देश तंत्र का एस के सापेक्ष वेग नियत है, अतः डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, डी कैपिटल वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, ए डैश इक्वल टू ए, ए डैश एस डैश फ्रेम में वेग और ए एस फ्रेम में एक्सेलरेशन। ये दोनों एक्सेलरेशन है, एस डैश फ्रेम में एक्सेलरेशन और ये एस फ्रेम में एक्सेलरेशन, तो दोनों इक्वल होंगे, तो ए डैश इक्वल, जहां निर्देश अंतर एस डैश और एस में करते त्वरण ए डैश में। अब इस समीकरण 48 से ये स्पष्ट हो जाता है कि निर्देश तंत्र के नियत वेग से गति करने पर त्वरण का मान अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ ये क्लियर बात है कि जब भी कोई निर्देश तंत्र किसी अन्य स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गति करता है, तो त्वरण का मान है वो बदलता नहीं, परिवर्तित रहता है। अन्य शब्दों में, यदि पी पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो दोनों निर्देश तंत्रों में त्वरण शून्य रहेगा, अर्थात त्वरण यदि जीरो है, त्वरण जीरो कब होगा, जब बल जीरो, बल जीरो होगा तो बल जीरो है, तो उस स्थिति में क्या ए जीरो होगा, और ए जीरो होगा तो यदि एक निर्देश तंत्र में ए जीरो है तो दूसरे में भी जीरो ही होगा। इसका मतलब जब बाह्य बल नहीं लगेगा तो उस स्थिति में यदि एक निर्देश तंत्र में बाह्य बल नहीं लग रहा है तो दूसरे में भी नहीं लगेगा, क्योंकि ए डैश बराबर ए, अर्थात किसी एक निर्देश तंत्र में त्वरण जीरो है या बल जीरो है तो दूसरे में भी बल जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन का प्रथम नियम है वो वैध रहेगा। तो यहां से यदि पी पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो दोनों ही तंत्रों में त्वरण शून्य रहेगा। इस प्रकार के नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में जड़त्व का नियम अर्थात न्यूटन का प्रथम नियम वैध रहता है। समीकरण 48 को त्वरण
कर्ण का के लिए निश्चितता करनी है, ठीक है। अर्थात द लॉ ऑफ गैलियन इनवेरियंस ऑफ एक्सीलरेशन, सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जड़त्व निर्देश फ्रेम के सापेक्ष यदि कोई अन्य निर्देश फ्रेम नियत वेग से गति कर रहा है तो वह भी जड़त्व निर्देश फ्रेम होगा। तो ये बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें मिला है कि यदि कोई इनर्शियल फ्रेम है और कोई दूसरा फ्रेम उस इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलायमान है, गतिमान है, मोशन में है, तो वह दूसरा निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होगा। तो ये त्वरण का रूपांतरण हुआ। शॉर्ट में मैं फिर इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सीलरेशन प्राप्त करने के लिए वेग का, वेलोसिटी का जो गैलियन रूपांतरण समीकरण था उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। गैलियन रूपांतरण समीकरण वेग का क्या था, v डैश बराबर v माइनस कैपिटल, जहां v डैश था h डैश फ्रेम में वेग, v था s फ्रेम में वेग और कैपिटल v s डैश फ्रेम का s के सापेक्ष वेग। उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली टर्म dv डैश / dt, दूसरी dv / dt और तीसरी जीरो हो जाएगी क्योंकि कैपिटल v वो कांस्टेंट है, एस्टेस फ्रेम का वेग कांस्टेंट है। यहां से अपने को मिल जाएगा ए डैश बराबर ए, अर्थात दोनों निर्देश तंत्रों में त्वरण है वो बराबर होंगे। इससे गैलियन निश्चितता का नियम, त्वरण की गैलियन निश्चितता का नियम कहते हैं। यहां से एक बात क्लियर होती है कि यदि ए का मान जीरो है तो ए डैश का मान भी जीरो होगा, यानी एक तंत्र में यदि बल नहीं लग रहा है, त्वरण जीरो है मतलब बल जीरो है, एक तंत्र में यदि त्वरण नहीं लग रहा तो दूसरे में भी नहीं लगेगा, यानी एक में किसी वस्तु पर बल नहीं लग रहा तो दूसरे तंत्र में भी बल नहीं लगेगा। इससे ये बात साबित होती है कि यदि एस फ्रेम जड़त्वीय है तो एस डैस फ्रेम भी जड़त्वीय है, क्योंकि तो उसमें भी न्यूटन का प्रथम नियम फॉलो होता है। इससे ये पता चलता है कि यदि कोई जड़त्व फ्रेम है और दूसरा कोई फ्रेम उस जड़त्व फ्रेम के साथ नियत वेग से गतिशील है तो वो दूसरा गतिशील फ्रेम भी जड़त्वीय होगा। ये बात हमें प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे बल का रूपांतरण समीकरण। तो बल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स हम जानते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल क्या होता है, फोर्स एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास एफ बराबर एम ए। तो गैलियन रूपांतरण नियम के अनुसार सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में कण का द्रव्यमान तो अचर रहता है। तो इस प्रकार समीकरण 48 एक बात बहुत ही ध्यान देने लायक है, एक बात बड़ी गौर करने लायक है। यहाँ ये जो लाइन लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, गैलीलियन रूपांतरण नियम के अनुसार सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में कण का द्रव्यमान अचर रहता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसका ये पहला जो वर्ड है ये बेहद इम्पोर्टेंट है, गैलीलियन रूपांतरण नियम के अनुसार। यदि ये वर्ड हम हटा दें गैलीलियन रूपांतरण तो ये लाइन गलत भी हो सकती है, सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में कण का द्रव्यमान अचर रहता है ये जरूरी नहीं है। ये हम आगे पढ़ेंगे वो रूपांतरण समीकरण जो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत पे कार्य करते हैं, अर्थात जिनमें जो वेलोसिटीज हैं वो प्रकाश के वेग के आसपास होती हैं उनमें फिर ये लागू नहीं होगा, वहां द्रव्यमान अचर नहीं होता, वहां द्रव्यमान वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि हमने ये पढ़ा था गैलियन रूपांतरण लागू ही तब होते हैं जब वेग बहुत ज्यादा ना हो, जब ऑब्जेक्ट जो है उनकी स्पीड है वो प्रकाश के वेग की तुलना में नगण्य हो, बहुत कम। तो ये मतलब है इस लाइन का कि गैलियन रूपांतरण नियम में जड़त्व निर्देश तंत्रों में कण का द्रव्यमान अचर रहता है, अचर मानेंगे हम, तो जो हमारा समीकरण था एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन वाला
उसमें दोनों ओर कण के द्रव्यमान एम से यदि गुणा कर दें तो एम ए डैश बराबर एम ए, वहां ए डैश बराबर ए था, दोनों से एड एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम ए डैश बराबर एम ए, और एम ए तो बल होता है, एम बराबर एम ए, तो हमें मिल गया एफ डैश बराबर एफ। इसका क्या मतलब हुआ? अर्थात दोनों निर्देश तंत्रों में बल बराबर होंगे, दोनों निर्देश तंत्रों में बल जो है वो इक्वल होंगे, ये बल का रूपांतर समीकरण है। आइए और देखते हैं आगे इसको। समीकरण 49 से ये स्पष्ट होता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में वैध रहता है। इस प्रकार सभी जड़त्व निर्देश तंत्रों में मापित कण पर लगाए गए बल का मान समान होता है, यह बल के गैलीलियन स्थिरता का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ फोर्स। तो बल का जो रूपांतरण है उसमें नया कुछ भी नहीं है, ये एक प्रकार से त्वरण का रूपांतरण समीकरण ही है, उसी का एक रूप है दूसरा। हमने सिर्फ इतना काम किया है कि समीकरण के दोनों साइड में एम का गुणा कर दिया, द्रव्यमान का गुणा कर दिया, और गैलीलियन रूपांतरण में द्रव्यमान को हम कॉन्स्टेंट मानते हैं, तो यहाँ से अपने पास एफ डैश बराबर एफ आ गया, और इससे ये साबित हुआ कि एक निर्देश तंत्र में जो बल है उससे नियत वेग से गतिशील दूसरे निर्देश तंत्र में भी बल का मान नहीं होगा, यानी बल जो है वो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चित रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। थैंक्स।